गाइज, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में बहुत से ऐप्स होंगे, बट एक ऐप ऐसा है जो आप डेली यूज़ करते हैं। वैसे तो गाइज बहुत सारे ऐप्स हैं जो आप डेली यूज़ करते हैं, बट एक ऐप ऐसा है जो आपको डेली यूज़ करना ही पड़ेगा, और वो है आपका कीबोर्ड। जी हाँ, कीबोर्ड। गाइज, एंड्रॉयड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ फुल ऑफ ऑप्शन है आपके पास। चाहे वो कस्टमाइजेशन हो या पर्टिकुलर कोई ऐप हो, आपको उसके सिमिलर ऑप्शन मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे गाइस गूगल कीबोर्ड के बारे में। जी हाँ, गूगल कीबोर्ड अब बन गया है जी बोर्ड। जी हाँ, जी बोर्ड। गूगल जी बोर्ड में वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं, पर आज मैं आपके सामने गूगल जी बोर्ड का चार फीचर जो है वो आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाऊंगा उसको, और उम्मीद है ये फीचर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। बट गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और देखते रहिए डिजिटली योर्स। ओके गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं और चारों फीचर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाएंगे, और सेटिंग्स में जाने के बाद चारों फीचर देख लेंगे। ओके, तो प्रेफरेंसेस में जाने के बाद ये एक फीचर जो है वो है नंबर रो, और दूसरा फीचर है लेआउट वन हैंडेड मोड। ओके, और तीसरा फीचर है थीम। ओके, और चौथा फीचर है जी बोर्ड। सर्च में वो आपको मिलेगा, जी बटन। ओके सॉरी, जी बोर्ड मैंने बोला, जी बटन। ओके, तो अब चलते हैं मेन कीबोर्ड में और ये चारों फीचर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये ऊपर आपको ये बटन्स दिख रहे हैं, सॉरी नंबर्स के, नंबर्स रो दिख रहे हैं। ये पहले अवेलेबल नहीं था, बाय डिफ़ॉल्ट हमको ये बटन प्रेस करना पड़ता था, ABC और 1 2 3, उसके बाद ये नंबर्स दिखते थे। अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये टॉप रो में नंबर्स दिख जाएंगे, जो कि काफ़ी ईजी है। जब भी आप टाइप कर रहे हो कुछ भी टेक्स्ट, तो साथ साथ आप नंबर भी इजीली टाइप कर पाओगे, तो ये एक अच्छा फीचर है। ये सैमसंग के और दूसरे कीबोर्ड में अवेलेबल थे, बट ये गूगल कीबोर्ड में नहीं थे पहले, और ये अब अवेलेबल है। और दूसरा फीचर है फ्रेंड लेआउट। ये आपको मिडल में आइकॉन दिख रहा है, लेआउट। ओके, अगर आप, अब क्या है कि आमतौर पे आजकल 5.5 इंच का 5 इंच का फ़ोन जो है वो एक हाथ से यूज़ करना बड़ा मुश्किल होता है, तो अगर आप टाइप कर रहे हो आपके अपने राइट हैंड से, तो आप जो है इस फीचर का उपयोग कर सकते हो, और आप कीबोर्ड को जो है फुल के बजाय आप राइट, अगर हैंड से यूज़ कर रहे हो तो आप राइट साइड में इसको ले जा सकते हो, और अगर आप लेफ्ट हैंड से यूज़ कर रहे हो तो लेफ़्ट साइड में ले जा सकते हो। ओके, तो ये भी काफ़ी कूल फीचर है मेरे हिसाब से, जिनका हाथ जो है वो छोटा है, और जो एक हाथ से टाइप करना जिनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम है, वो ये फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो इसको एक्टिव करने के लिए मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको करना क्या है। जब आपको ये जी बटन जो है, जी का साइन जो है वो, उस पर क्लिक करना है, और ये मिडल में जो आपको ये आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, और अब लेफ्ट या राइट पे इसको ले जाना है और इसको यूज़ करना है। ओके, और उसके बाद है तीसरा फीचर जो है वो है थीम। थीम पे आप क्लिक कीजिए, ये देखिए बहुत सारे थीम्स हैं, मैं अभी आपको एक दिखाता हूँ। क्या ये पर्पल मैंने ये क्लिक किया। ओके, अभी आपने देखा ये जो कलर है वो कीबोर्ड का पर्पल हो गया। ये तो ये आपके ओवरऑल जो वॉलपेपर आपने यूज़ किया है, या जो भी थीम यूज़ कर रहे हो अगर फ़ोन में, उसके हिसाब से आप अपने कीबोर्ड को भी कलर दे सकते हो, एक नया कलर दे सकते हो। आपने रेड चूज़ किया। ओके, अच्छा, क्विकली अगर आपको, मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, कि अगर क्विकली आपको अपना लेआउट चेंज करना है तो ये एरो बटन यहाँ दिख रहा है, इसको प्रेस करना है आपको। ओके, फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए ये एरो बटन के ज़रिए भी आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो। ये एरो बटन प्रेस किया आपने, सॉरी फुल हो गया, ये एरो बटन और ये, तो इस तरह एरो बटन से भी आप क्विकली अपने अपना लेआउट जो है वो चेंज कर सकते हो। और वापस हम थीम में चलते हैं।
थीम में चलते हैं। और एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, थीम्स में ये बहुत सारे आपके पास कलर के ऑप्शन हैं, बट आप चाहो तो अपना इमेज भी इसमें लगा सकते हो। ये मैंने क्लिक किया इमेज पे और मैं गैलरी पे गया, और गैलरी पे जाने के बाद मैंने अपना इमेज सेलेक्ट किया और ओके किया। अब जो ये जो है ट्रांसपेरेंसी जो है वो आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ओके, और आप अपना इमेज भी यूज़ कर सकते हो, ओके। अब जो है आज चौथा ऑप्शन जो है, चौथा फीचर जो है, जो कि सबसे कूल फीचर है मेरे हिसाब से, वो मैं आपके सामने दिखाता हूँ। वो है ये, देखिए आप सपोज़ आप किसी से चैट कर रहे हो और उन्होंने किसी एक एड्रेस के बारे में पूछा आपसे, या वेदर के बारे में पूछा, कुछ भी आपको अगर सर्च करना है तो आप कीबोर्ड के अंदर ही आप सर्च कर सकते हो, आपको बाहर जाकर गूगल सर्च पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जी बटन प्रेस किया, आपने सपोज़ आपने वेदर पे क्लिक किया, ओके एक मिनट मैं दिखाता हूँ आपको, ये सपोज़ आपने वेदर पे क्लिक किया तो आपको ये वेदर दिख जाएगा, वेदर अपडेट आपको दिखेगा, ओके। कल का वेदर देखना है, कल का वेदर दिख जाएगा। अगर आपको कुछ और टाइप करना है, कुछ और सर्च करना है, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो क्विकली। आप कोई एड्रेस जो है, आपको किसी एड्रेस पे जाना है, किसी लोकेशन पे जाना है, तो वो आप लोकेशन का एड्रेस सर्च करोगे, आप यहाँ आपको लोकेशन दिख जाएगा, आप किसी के साथ जो आप जिससे बात कर रहे हो उसको आप क्विकली अपडेट कर सकते हो, उसको आप एड्रेस शेयर कर सकते हो, लोकेशन शेयर कर सकते हो। अगर आप सपोज़ अगर आप कुछ और जानना चाहते हो, सपोज़ अगर कोई आपसे बात कर रहा है, वो टाइम ले रहा है आपको रिप्लाई करने में, तो आप न्यूज़ पे क्लिक करके न्यूज़ भी देख सकते हो। तो गाइज़ ये मेरे आपसे हिसाब से गूगल कीबोर्ड का, यानी कि जी बोर्ड का काफ़ी कूल फीचर है। ये चार फीचर मैंने आपको बताया है, अगर आप इसको यूज़ करोगे तो इसमें और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगे। गाइज़ आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो गाइज़ आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे भी हम जो भी वीडियोस अपलोड करें वो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप देखते रहिए डिजिटली योर्स।